हे गाइस, एकेटेकी से मैं हूं अरुण और आज मैं बात करने वाला हूं सैमसंग की तरफ से आने वाले नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A31 के बारे में। क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है या नहीं? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस स्मार्टफोन। सबसे पहले मैं आपको इस स्मार्टफोन की बेसिक स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। डिस्प्ले की बात करी जाए तो इस फोन में आपको 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड इन्फिनिटी यू डिस्प्ले देखने को मिलता है। प्रोसेसर मीडियाटेक का हीलियो P65 है। रैम इसमें सिर्फ एक ही वेरिएंट अवेलेबल है, 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, एक्सपेंडेबल अप टू 512GB स्टोरेज। जो स्टोरेज टाइप है यहाँ पे वो EMCC स्टोरेज है। बैटरी आपको 5000 mAh की मिलती है विद 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। इस फोन में आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 48MP प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5MP मैक्रो कैमरा एंड 5MP लाइव फोकस कैमरा। फ्रंट में आपको 20MP का लाइव फोकस के साथ कैमरा मिल जाता है। बेसिक फीचर्स में आपको फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले मिल जाएगा, फेस अनलॉक, NFC का सपोर्ट और UI इसमें वन UI है सैमसंग की। इस स्मार्टफोन को सैमसंग ने 22,000 की प्राइस में लॉन्च किया है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है या नहीं आपके लिए। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये स्मार्टफोन एक बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस फोन में आपको मीडियाटेक का हीलियो P65 प्रोसेसर में देखने को मिलता है। 22,000 में आपको मीडियाटेक हीलियो P65 देखने को मिल रहा है। ये प्रोसेसर तो आजकल 10,000 के फोन में भी देखने को नहीं मिलता है। स्टोरेज में इसमें आपको EMCC स्टोरेज टाइप मिलती है, UFS 2.1 का सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि मीडियाटेक हीलियो P65 UFS 2.1 को सपोर्ट ही नहीं करता है। EMCC स्टोरेज टाइप काफ़ी एक पुरानी स्टोरेज टाइप है। तो अगर इस स्मार्टफोन में आपको कुछ अच्छा देखने को मिलता है तो वो है इस फोन का डिस्प्ले। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो कि काफ़ी पंजी कलर प्रोवाइड करता है और सैमसंग की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। इस फोन का आपको कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। एक क्वाड कैमरा सेटअप भी है। इस फोन में सिर्फ आपको प्रोसेसर की वजह से ही ये फोन अपनी प्राइस को वर्थ नहीं करता है। तो 22,000 मीडियाटेक हीलियो P65 और EMCC स्टोरेज के लिए वेस्ट करना बिल्कुल भी वर्थ ऑप्शन नहीं है। सो गाइज, ये थे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन सैमसंग गैलेक्सी A31 के बारे में। मैं पर्सनली 22,000 रुपये हीलियो P65 प्रोसेसर के लिए नहीं खर्च करता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप इस प्राइस में इस स्मार्टफोन को खरीदेंगे या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।